आजकल एक नारा बहुत फेमस हो रखा है, स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। तो समझ नहीं आता कि एक स्लोगन है कि वार्निंग है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को तो घर बैठे मिल ही रही है तनख्वाह। मैं ये नहीं बोल रही कि किस किस को मिल रही है और किस किस को नहीं। पुलिस वाले मुझे पता अभी भी बहुत काम करे, दिन रात मेहनत करने पर लगे हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ हैं ढीठ लोग जो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर का पालन पोषण भी करना, अपने बच्चों का, क्योंकि उन्हें तो डेली कमाना है और डेली अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। हाँ, घर बैठे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनको वो बहुत अच्छे से ज्ञान देंगे कि घर पे रहिए स्वस्थ रहिए, क्योंकि पता है ना बैंक में बैलेंस है, घर में खाना पीना है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, जनता से कमाया है, और जब जनता को देने की बारी आती है तब तो छुप जाते हैं अंदर। तो ठीक है, कहीं कहीं CM लोगों को अनाज दे रहे हैं, कुछ लोग आगे आ रहे हैं समाज सेवा करने के लिए, पैसे दे रहे हैं, पर वो पैसे कब तक चलेंगे? अगर आप किसी अकाउंट में 200 रुपये करेंगे, 4 लोगों का परिवार है तो हो जाएगा 200 रुपये से। आप गैस सिलेंडर बांट रहे हैं तो उस गैस सिलेंडर में बनाएं क्या? आप गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, लेकिन और प्याज टमाटर मसाले तेल ये सब तो पड़ता है ना, इतने में हो जाएगा? और जहाँ तक रही हमारी दोगली मीडिया, तो मीडिया हमेशा ये चिताएं क्यों दिखा रही है, इतने केस आ गए, ये क्यों दिखा रही है? हमने पूछा, हमने बोला, हमें हमें नहीं सुनना कि कितने केस आए, कितनी चिताएं जल रही है, कहाँ कहाँ चिता जल। अरे दिखानी है न्यूज़ तो वो दिखाए ना कि कहाँ ऑक्सीजन मिल सकती है, कहाँ बेड खाली है, कौन से लोग कितना दान कर रहे हैं, कौन से लोग क्या अच्छाई काम कर रहे हैं, कौन से लोग अपना लोगों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं उनको घर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। दिखाना है तो ये दिखाओ ना जो ठीक हो गए हैं, जो मरीज़ ठीक हो गए हैं कोरोना से, उनका प्लाज्मा कैसे मिल सकता है, वो ठीक होकर कैसे महसूस करें, जो होम आइसोलेशन में थे वो कैसे महसूस करें। दिखाना है तो ये दिखाइए ना मीडिया में, ये क्या दिखा रहे हैं आप कि हाँ इतने केस आ गए हैं, यहाँ अब इतने लोग मर गए हैं, यहाँ ये चिताएँ जल रही हैं, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ अरे कितने पी के हो तुम, कितने पी के हो? 5,000 का चालान काट रहे हैं एक सिंगल आदमी का, इससे अच्छा आप 10 रुपये का मास्क नहीं कर सकते उसको प्रोवाइड? अब नहीं है, गरीब गरीब तो मर ही रहा है, गरीब तो पिस ही रहा है, वो पहले भी पिस रहा था, अभी भी पिस रहा है, वो जब तक किसान हो तब भी पिस रहा था, जब उसका बेटा कमाने लगता तब भी पिसता है वो, और जब ये सरकार के चोचले आते हैं तब भी पिसता है। तो आज की सेलिब्रिटी हमें हमें डॉक्टरों पर ज्ञान दे रहे हैं कि हाँ हमारे देश के डॉक्टर बहुत अच्छे, अरे 40% वाला डॉक्टर आपने लैब में बैठा रखा है, और जो 90% वाला था उसको तो आरक्षण के दम पे आपने दबा दिया, ठीक है। और फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहते हैं कि हमारे डॉक्टर पे आपको भरोसा होना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आपको एक छोटा सा बुखार आ जाता है, आप दूसरे देशों में जाते हैं इलाज कराने के लिए, और हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे डॉक्टरों पर भरोसा करें, वाह बहुत अच्छे। स्टूडेंट से खासकर मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप को अपडेट रखिए, नई नई अगर भर्तियाँ आती हैं थोड़ा सा अभी, तो आप अपने आप को इतना प्रिपेयर रखें कि जब भी भर्ती आए आप ज़रूर अच्छा परफॉर्म कर सके।